सात फिनिशेज हैं, 10 पॉइंट तो प्लेसमेंट के आएंगे, 17 पॉइंट टोटल हो जाएंगे। अगर इन्होंने पावर प्ले में कुछ किया होगा डबल हो जाएगा, बट एक एक कर ये पॉइंट तालिका के अंदर ऊपर जाते ही जा रहे हैं। वन ब्लेड अभी भी किसी हालत में कुछ भी करके टिकी हुई है, बट टीम सोल एंड ग्लैडिएटर्स अब ये फाइट होगी जो असली मजा दिलाएगी। उथल पुथल बहुत सारी होंगी और इन सब के बीच में कोई भी टीम गलती नहीं कर सकती। ग्लैडिएटर्स के सामने ओमेगा, उनके सामने एक मोलोटोव है, ही इज वेटिंग। उन्होंने अपने पास को एक परफेक्ट कवर बनाया है, लेकिन क्लाड के सर्कल किसी का नहीं है, ये किसी को भी पना नहीं दे रहा है, ये किसी को भी फेवर नहीं कर रहा है। बट व्हाट इफ गोस्टी मूव्स फॉरवर्ड, लेकिन जिस तरीके से ग्लैडिएटर्स अग्रेसिव है, ओमेगा के लिए एक अच्छी चीज नहीं होगी। ही ड्रॉप हार्ड एंड इस टॉप 3 के अंदर बहुत चीजें बदल सकती है। ये ग्लैडिएटर्स का टाइम है क्योंकि उन्होंने चालू कर दिया, बट अगर अक्षत वगैरह किसी का ग्रेनेड लगा फायदा हो सकता है, बट अक्षत ने अपने प्लेयर को मार निकाला और शोगर का ग्रेनेड अक्षत को खा जाएगा। गॉब्लिन भी थ्रोएबल्स के साथ नॉक निकाल रहे हैं, बट मैन एडवांटेज अभी भी ग्लैडिएटर्स के पास है। यहां पे ऑफ कर लॉबी इस समय वन ब्लेड क्या ये सिकंदर अपने नाम करेगी? डेफिनेटली दे विल गेट दैट, बट इज इट इनफ? द क्वेश्चन इज स्टिल बहाना चाहिए, एक मौका मिलेगा और ये प्लेयर रूटर में झलक दिखलाजा कर देगा, ये हम सबको पता है। बुला रहे हैं ओमेगा भाई को, गले लगा रहे हैं, एंड ही इज सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी एंड द एंड ऑफ द प्लेऑफ डेब्यू सत्र, द फाइनल गेम, द फाइनल डांस। भाई ये जो बात हुई थी ना, कौन कितने पॉइंट्स कमाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे तो हमारी जो टॉप 3 टीम्स रही इस मैचअप के अंदर, इट वॉज ग्लैडिएटर्स, इट वॉज सोल, इट वॉज वन ब्लेड, तीनों टीमों ने जो आखिरी दिन पे जंप ली है, ये काबिलियत तारीफ है भाई। आज मान गए जब प्रेशर आता है ना तो हीरा और चमकता है, सोना और दमकता है। अब सारे अपनी गणित लगा रहे हैं, कैलकुलेटर खुल चुके हैं कि भाई किसने कितने पॉइंट्स कमाए, कौन कहां पर पहुंचेगा, बट एक चीज तो कंफर्म हो गई है भाई, ये गेम दिल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। Exactly. अगर आपका दिल कमजोर है इस गेम से दूर ही रहिए, क्योंकि ये गेम जो धड़कने बढ़ाती है हर कोई नहीं संभाल सकता। बट क्राट अभी भी एक्सप्रेशन किसी के चेंज नहीं हुए हैं, अक्षत के चेहरे पे बहुत धीमी सी स्माइल है, बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, अगर ये बॉटम 4 टीमें ऊपर जाएंगी तो नीचे कौन आएगा? इज इट केमिन? आई थिंक सो। इज इट एक्सपार्क? आई डोंट नो। इज इट एनी अनदर टीम? आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट एक चीज के लिए मैं जरूर श्योर हूं क्रैश, ये गेम पूरे प्लेऑफ का बेस्ट गेम था। Bottom 4 in the final 4. जब मैंने आखिर में देखा ना, वो टॉप 4 टीम, 14 प्लेयर और चारों की चारों बॉटम वाली टीम्स है, मेरी कैलकुलेशन दिमाग से बाहर जा चुकी थी। वन ब्लेड का क्वालिफिकेशन कंफर्म है, क्योंकि उन्होंने सेकंड गेम भी अच्छा खेला था, इस गेम के अंदर भी उन्होंने अच्छा खेला है। एंटिटी, आई डोंट थिंक दे आर मेकिंग इट टू द ग्रैंड फाइनल्स। केमिन, दे आर नॉट मेकिंग इट टू द ग्रैंड फाइनल्स, बट व्हाट्स गोना हैपन टू ग्लैडिएटर्स एंड सोल, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो 18 पे थे, एक 24 पे थे। ग्लैडिएटर थर्ड आई है, उनके पास 7-8 फिनिशेस थे, 14 पे 18 डालो 32 पे पहुंचते हैं। ह्यूमन तो स्ट्रगल कर रही थी।